नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है टू बिकम अ प्रो इन Django। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि एज ए पाइथन डेवलपर आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद मैं आपको पांच प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल दी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्रूड ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी डाटा किस तरह से क्रिएट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, रीड किया जाता है या फिर डिलीट किया जाता है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए उसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ओथ टू ऑथेंटिकेशन सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है या फिर SSO या फिर SCML किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको इन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अगर आपको ये तीनों के तीनों नहीं आते होंगे तो इनमें से कोई एक भी अगर आप इंप्लीमेंट करके देख लोगे तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेट द पेमेंट गेटवे। तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट गेटवे को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। बहुत ही ज्यादा ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती है उनमें ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्टली हर एक प्रोजेक्ट में यूज की जाती है, तो आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज इंटीग्रेट द सैलरी इन Django। या सैलरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि Django में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि किस तरह से सैलरी को यूज किया जाता है, आप उसके बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरव्यूज में ये चीज तो डेफिनेटली पूछी ही जाती है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट थे जिनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए अगर आप प्रो बनना चाहते हो Django में। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि सबसे पहले आपको सबसे पहला प्रोजेक्ट करना है और उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट वाला प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे बेसिक प्रोजेक्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑपरेशन का यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ज्यादा हल्के में बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी होती है जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। मैंने पर्सनली एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट थी, बहुत ज्यादा चीजें उसमें ऐड की गई थी और उसको करने में 5-6 महीने से ज्यादा समय लग गया था। तो इन सब प्रोजेक्ट को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लिया कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली हर एक कंपनी में इन सब की जरूरत डेफिनेटली होती है। सेकंड प्रोजेक्ट इज ब्लॉग पोस्ट। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग अपने ब्लॉग्स वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली होती है वो होता है फोटोज। जब भी आप कोई भी फोटोज या फिर फाइल्स आप दिखाना चाहते हो तो उसको किस तरह से दिखाया जाता है, स्टैटिक फाइल्स को किस तरह से यूज किया जाता है, इस प्रोजेक्ट में आपको उसकी जानकारी मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट दूसरे नंबर में मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको फाइल से रिलेटेड जो भी चीजें की जरूरत होती है आपको उसके बारे में पता चल सके, क्योंकि कल को जब आप कभी भी फ्रंट एंड पर काम करोगे तो ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बैक एंड पे किस तरह से स्टोर की जाती है आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली जरूर बनाइएगा। थर्ड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू चैटबॉट या फिर चैटिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जैसा कोई ऐप डेवलप करना होता है कि किस तरह से टू वे चीजें यहां पे चल रही हैं, कभी आप रिप्लाई करते हो तो सेंडर को किस तरह से वो सब चीजें मिल रही हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस किस तरह से डिजाइन किया जाता है, फ्रंट एंड किस तरह से इसमें बनाया जाता है, आपको प्रॉपरली सारा का सारा फ्लो इसमें पता होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कंपनी में ये वास्ट चीज यूज की जाती है, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हो जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वहां पर चैटबॉक्स तो डेफिनेटली बनाया ही होता है, ऑटोमेटिक किस तरह से रिप्लाई जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए, एक अभी डमी प्रोजेक्ट बना लीजिए, कल को जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपके दिमाग में होगी इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी वेबसाइट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि आपके बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करके रख सकता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि रोल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से बनाए जाते हैं, एडमिन किस तरह से बनाया जाता है, कस्टमर पेज किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जब भी आप इसका डेटाबेस भी डिजाइन करोगे तो वो भी सब सेपरेट ही आपको बनाना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। जब आप इसका फ्रंट एंड बनाओगे तो आपने भी देखा होगा कि जो शॉपकीपर को अपना फ्रंट एंड दिखता है वो एकदम डिफरेंट होता है और जो कस्टमर को दिखता है वो एकदम डिफरेंट होता है। जब आप ये सब चीजें खुद से ही बनाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होगी, और मैं आपको ये चीज कहूंगा एक Django डेवलपर बनने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि कल को जब आप किसी भी कंपनी में काम करोगे इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है। फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी वेबसाइट आपको भी पता है कि आजकल बहुत ही ज्यादा डिमांड में चल रही है, Zomato हो गया, स्विगी हो गया, उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टार्टअप भी हैं जो कि सिर्फ इसी बात पर टिके हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर करवा रहे हैं। इन सब चीजों की बहुत
ही ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट, ऐसा एक डमी प्रोजेक्ट डेफिनेटली अपने लिए जरूर बनाकर रखिएगा, क्योंकि इसमें आपके और भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। इसमें आप ओथ टू ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, SSO भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और उसके अलावा जो मेन चीज है पेमेंट गेटवे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड द फिफ्थ एंड द मेन प्रोजेक्ट इज ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon और Flipkart। आपने ऐसी साइट्स बहुत ज्यादा देखी होंगी, डेली के बेसिस पे आप विजिट भी करते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा का पूरा फ्लो किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट ही बना ली ना, तो Django के बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मुझे याद है कि जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनाई थी, और उसके बेसिस पे मुझे बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। मैंने फ्रंट एंड भी डेवलप किया था, मैंने बैक एंड भी डेवलप किया था, उसके बाद मैंने डेटाबेस किस तरह से सेटअप किया जाता है वो सब चीजें की थी। तो मुझे इन सब चीजों को जब करने के बाद जो नॉलेज गेन हुई थी, उसका मुकाबला मैं बाकी के प्रोजेक्ट से नहीं कर सकता। ई कॉमर्स वेबसाइट की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। कल को आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप फूड डिलीवरी वाली ऐप बनाओगे, या फिर उसके अलावा आप ई कॉमर्स वेबसाइट ही बना रहे होंगे। तो इन दोनों पे काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ई कॉमर्स को तो मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपको ग्राफिकल बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको ये भी चीज कहूंगा कि फ्रंट एंड में इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता Django को, लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे तो आप फ्रंट एंड पर भी Django ही यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे टेम्पलेट्स के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें किस तरह से डेवलप की जाती है Django फ्रेमवर्क में। तो ये पांच ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप प्रो बनना चाहते हो Django डेवलपमेंट में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।